स्क्रीन पर उनके मैं बयान सुनवाता हूं। इसलिए हमने कहा मोदी को आखिर हुआ क्या है, इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से धमकी और चेतावनी दे रहे हैं, मेरा मुंह ना खुलवाएं, 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा। उसके बाद उन्होंने गांधी को लेकर कहा, जिस पर काफी विवाद हुआ, देश का प्रधानमंत्री अगर कहे कि महात्मा गांधी को फिल्म बनने के पहले कोई नहीं जानता था, फिल्म बनने के बाद दुनिया ने जाना, जिस पर बहुत कुछ पिछले 48 घंटे में लिखा बोला जा चुका, 1925 से लेकर 1948 तक के गांधी के बारे में, जब उन पर अमेरिका में किताब लिख दी गई और आइंस्टाइन और सब कुछ। उसी तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर जो उन्होंने कहा, वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, मुजरा करना है तो करें, ये प्रधानमंत्री का एक बयान आया। उसी तरह से जो उन्होंने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें मुजरा करना है वो करें, प्रधानमंत्री मोदी सभा में कह रहे हैं उन्हें मुजरा करना है तो करें विपक्ष के लिए। गठबंधन को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाया, बिजली कनेक्शन छीन लेंगे, घर का पानी का टोटी खोल लेंगे, बैंक के खाते बंद करा के पैसा छीन लेंगे, मतलब अकल्पनीय बातें प्रधानमंत्री ने कही, जो कूट मगज आदमी भी एक बार नहीं सोच सकता है कि मुमकिन हो सकता है कि पैसा छीन लेगा, 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगी। और तो और उसके बाद ये सब के बीच उन्होंने ये तक कह दिया कि सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देंगे, और भी बहुत कुछ कहा। फिलहाल अगर हम इतनी पर बात करें, और एक अपने बारे में कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, माँ के जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली हुआ है, उसके बाद अवतार हो गए, अवतार इन्हें लोग घोषित कर ही रहे हैं, चंपत राय कही चुके विष्णु है, विष्णु के अवतार है। तो ये व्याख्या प्रधानमंत्री की, ये उनके भाषण और उसके बाद तस्वीरें, आप इस शख्सियत को कैसे देखते हैं? ये जो सब हम देख रहे हैं, या आप भी जानते हैं, जो भी धर्म को समझने वाले, और इनके सिंह जी भी, उनकी भी धर्म में बहुत रुचि है, अध्यात्म में रुचि है, थोड़ी बहुत मेरी भी है, जिनकी भी थोड़ी सी समझ है, वो जानते हैं कि धर्म का पालन ऐसे नहीं होता। धर्म और धार्मिकता का प्रदर्शन दोनों अलग अलग चीजें, योग और ध्यान हिंदू पद्धति में एक मार्ग है। अब मुझे वैसे तो गीता के उस्ताद के सिंह जी भी हैं, हम दोनों का ये एक साझा प्रेम है। मैं गीता के 6 अध्याय का एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ आपको, आत्मसंयम योग का, वो ध्यान पर ही है। और ये ध्यान कैसे करें, इसका गीता के 6 अध्याय में यही बताया गया, वो है, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो उसमें कि योगी जो है वो सतत आत्मा में ही स्थित रहता हुआ, अपने आप में स्थित रहता हुआ, एकाकी एकांत रूप से एकांत रहकर अपने आत्मा और अपनी सारी वृत्तियों को चित्त में समाहित करके आशा और परिग्रह से रहित होकर वो ध्यान में युक्त होता है, लगता है। एकाकी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी योग करता है, जो भी ध्यान करता है, वो ये जानता है कि ध्यान कैमरों के सामने प्रदर्शन करके नहीं किया जाता। ध्यान एक बहुत निजी, बहुत ज्यादा अंतरंग साधना है, अंतरंगतम साधना है। जब आप केवल आप होते हैं और आपकी आत्मा और आपका आराध्य होता है, तब और कुछ नहीं होता। आप ऐसे ध्यान नहीं कर सकते कि जब आपको मालूम है कि मेरे चारों तरफ 3 या 4 या 5 जितने भी हैं कैमरे घूम रहे हैं, अलग अलग कोणों से मेरा वीडियो बनाया जा रहा है, मेरी तस्वीरें ली जा रही हैं, चारों ओर मेरे लोग देख रहे हैं मुझे, मेरी एक एक गतिविधि एक एक सेकंड दर्ज हो रहा है, और मैं ये कहूँ कि मैं उस बीच अपने आत्मा में स्थित होकर बिल्कुल समाहित चित्त हो गया हूँ। ऐसे ऐसे मैं रुद्राक्ष फेर रहा हूँ और मुझे पता है कि मल्टीकैम शूट चल रहा है, और क्यों न माने कि रुद्राक्ष फेरने के पहले प्रैक्टिस भी किया होगा कि मेरा हाथ किधर होगा, रुद्राक्ष किधर होगा, कैमरा किधर होगा, कि हाथ और रुद्राक्ष के बीच में कोई दृष्टि बाधित वाली स्थिति ना आए। ये एक लाइन सिर्फ जोड़ूंगा, ये लक्षद्वीप की जो तस्वीर आई थी सर, एक टॉप सोर्सेस से मुझे बताया गया कि एक दिन पहले सीनियर लोग गए, उनकी टीम के लोग, उन्होंने पूरा वहां रेकी किया कि कहां पीएम बैठेंगे, कहां कैमरा लगेगा, कहां समंदर के किनारे समंदर को निहारेंगे, तो यहां भी तो ऐसे ही हुआ होगा और वैसे ही पूरा स्टेप उनका डिसाइडेड होगा, सही आपने कहा। निश्चित रूप से ये सब पहले एक कम से कम एक दिन पहले 1 से ज्यादा बार रिहर्सल इसका किया गया, किसी को बैठा कर
किस कोण से कौन सा एंगल, किस एंगल से कहाँ से कैमरा एंगल क्या होगा और कौन सा शॉट लेना है। अब आप भी इसकी बारीकियां जानते हैं और लोग भी जानने लगे हैं क्योंकि सबके पास कैमरे हैं अब। तो ये जो है समझना चाहिए लोगों को कि ये है क्या। ये मैं बहुत क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ, कड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये आध्यात्मिक अपराध है। एक एक विचार है हमारे यहाँ शास्त्रों में, प्रज्ञापराध, यानी अपनी प्रज्ञा के साथ अपराध करना, अपनी प्रज्ञा में अपराध करना। तो किसी भी तरह का आडंबर, दिखावा, बहुत शुद्ध पवित्र साधना साधक होने का दिखावा करते हुए दरअसल प्रभावित करने की चेष्टा, ये आडंबर करना भी एक आध्यात्मिक अपराध है। मैं नहीं समझता कि मेरी ये नहीं जान समझ में आता कि वो इतने समझदार आदमी हैं, बहुत मेधावी हैं, वो क्यों नहीं समझते कि राजनीति करने के लिए पूरा क्षेत्र, पूरा मैदान खाली पड़ा है। कम से कम योग को, ध्यान को, धर्म को तो छोड़ दें, राम को तो छोड़ दें। आप राम के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों की राम भक्ति के साथ खेल रहे हैं, आप योग और ध्यान के साथ खेल रहे हैं। ये मतलब विलक्षण है। ये देखिए, भीड़ में योग होता है, कई बार ध्यान भी होता है। कब होता है? जब एक कोई गुरु हो जो योग करवा रहा हो या ध्यान करवा रहा हो, और हमारे साथ बहुत से सह ध्यानी, एक साथ समवेत ध्यान करने वाले लोग बैठे हों। मैंने भी किए हैं ऐसे शिविर, लगते हैं ध्यान शिविर लगते हैं, उसमें कई लोग समूह में बैठकर ध्यान करते हैं। एक गुरु होता है जो ध्यान करवाता है, बाकी लोग करते हैं, लेकिन वहां वो प्रदर्शन के लिए नहीं होता। तो जो भी ध्यान करता है वो जानता है कि ये बहुत एकांत, बहुत किसी भी तरह के बाहरी आभास से और बाहरी उपस्थिति से, बाहरी क्रिया से अलग कट कर सिर्फ अपने आप में अपने साथ रहने की एक क्रिया है, साक्षी बनने की क्रिया है। ये जो हो रहा है, ये क्षमा सहित ये केवल एक नाटक है। सिंह साहब, जो एक आक्रोश भी राहुल देव में है और जायज है, एक्चुअली उसी मनोदशा से मैंने भी ये वीडियो किया, क्योंकि हम लोग भी ये मानते हैं कि आध्यात्मक, बहुत बहुत अच्छी व्याख्या की राहुल जी ने, आप, आपके आराध्य और आपके अंतरात्मा, ये उसके बीच का मसला है। उसके पहले आप रिहर्सल करते हैं या आपकी टीम रिहर्सल करती है, मल्टी कैम सेटअप लगा, और एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हुई थी जब केदारनाथ ध्यान गुफा में थे। मुझे नहीं पता कि उस तस्वीर की ऑथेंटिसिटी में कुछ गड़बड़ है क्या। उसमें लग रहा था कि मोदी जी आंख खोल के देख भी रहे कैमरे को, और ऐसे भी ऐसे मौकों पर उनको जरूर पता होगा कि मैं ऐसे अगर रुद्राक्ष फेर रहा हूं तो यहां कैमरा होगा, मैं इधर से चल रहा हूं तो इधर कैमरा होगा। और तो और कुछ तस्वीरें हमने देखी अलग अलग मंदिर दर्शन के दौरान, जो शायद अयोध्या में भी था, कि भगवान और मोदी जी के बीच में सही एंगल नहीं था, मोदी जी की दिशा गड़बड़ थी, भगवान के सामने सीधे होना चाहिए लेकिन टेढ़े इसलिए है कि कैमरा वहां सही पोजिशन होना चाहिए। ये हमने महाकाल में भी देखा, ये हमने अयोध्या में भी देखा, अलग अलग मंदिर दर्शन के समय उनका ध्यान, उनकी टीम का, कि प्रॉपर भगवान और उनके बीच कैमरे पोजिशन। तो ये कौन सा कौन सी साधना है जिसको महिमा मंडन किया जा रहा है कि 45 घंटे के लिए साधक बन गए? तो ये एक साइंस है जो मोदी कर रहे हैं, लेकिन उसका अस्तर नीचे ला दिया है। दुनिया के किसी पॉलिटिशियन ने इस लेवल पे इसको नहीं लाया था कि दलित का पैर धोएंगे, और उसके बाद आज वहां पे जो ध्यान कर रहे हैं, 4000 की पुलिस फोर्स खड़ी है, 4000 संख्या है, कम से कम हमारा 50 करोड़ रुपया इस पे खर्च हो रहा है इस आदमी के ध्यान देने पे। एक गरीब मुल्क अनुमति से सिर्फ मैं ये एक जो जानकारी दिख रही है 2000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए ठीक है। हाँ नहीं, 2000 ये सिर्फ वहां पे जो अप्लाई किएगा वो है, जो टोटल एरिया इन्वॉल्व होता है ना वो लगभग उसके डबल होता है, क्योंकि आप सी से भी देख रहे हैं, सी का पूरा हमारा ये जो 200 पुलिस पे 2000 है, क्योंकि हमारा ये प्री सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि डिप्लॉयमेंट में वहां पे आपके कोस्टल, आपका जो कोस्ट गार्ड है उसकी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, नेवी खड़ा है, एयरफोर्स खड़ा है, तो इसलिए वो 4000 हमने कम बताया है। और जो कॉस्ट है इसकी फेनोमेनल है, एक आदमी अपने को चाय बेचने वाला कह के और डेमोक्रेसी में इस तरह का ऐश कर रहा है, इस तरह का वो धन लुटा रहा है और ये कहता है हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, एक टिपिकल स्टाइल होती है जो बाबाओं ने काफी पहले अपनाया था, पॉलिटिशियंस ये नहीं अपना पाते थे।
मुझे याद है कि तमाम ऐसे बाबा हुए हैं जो शुद्ध अंग्रेजी में सीधे संस्कृत बोलेंगे, गीता का श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद वो अंग्रेजी में आ जाएंगे, फिर एक चैलेंज होगी जो उसका ट्रांसलेशन करेगी जो अमेरिकन होगी। ये पूरा एक क्रम होता है जिसमें खड़ाऊ पहनेगा वो 1 करोड़ की गाड़ी से उतरेगा, गेरुआ पहनेगा लेकिन अमेरिकन साथ में होगी, अंग्रेजी बोलेगा नहीं तो संस्कृत बोलेगा। इससे आपको भ्रम द्वंद में डाल देता है भारतीय जनमानस को, वो आपको ईश्वरीय समझने लगता है। मोदी जब भी लगता है कि अब खतरा हो रहा है तो वो ईश्वरत्व की तरफ अपने को ले जाने के लिए ये खेल करते हैं। आज जो कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, 7वें फेज के लिए जो है वो तो है, आगे की भी तैयारी है कि किसी को शक न हो कि हमारे में ईश्वरत्व नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में जो माटा किया है, जो गंदला कर दिया है इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, उसको ठीक करने के लिए ये रुद्राक्ष का माला, ताकि जब तक नहीं नहीं ये अपना वाला है, चाय बेचता था, देखो अब संत बन गया, तो वो जो ऐश कर रहे हैं आप वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और देवत्व का भाव आपके अंदर आ जाएगा, जबकि आप वो सब कुछ कर रहे हैं। जैसे एक ये सेंटेंस आप सोचिए कि 7 पीढ़ियों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, मुझे ये वो ना करें, मुझे मोदी को समझ नहीं रहे हैं, सड़क छाप ये स्टेटमेंट है, तो इसको न्यूट्रलाइज। अच्छा यही क्यों कह रहे हैं आप, जितने भी इस समय जो अपोजिशन का किया है, अगर किसी कांग्रेस के लीडर ने कहा कि साहब आपका ये अग्निवीर घटिया प्रोग्राम है और ये सेना को कमजोर करेगा, तो आपने इसका वो पोर्शन ले लिया है जो सेना पर जाता है, जबकि आपकी पॉलिसी को हिट किया गया है कि आप ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, सेना को कम से कम ना करके। सेना की शहादत का इस्तेमाल 2019 में खुद मोदी ने किया था, सेना के शहीदों के पोस्टर थे पुलवामा के, और चुनाव वही तो विवाद है जिसमें जो नवीन चावला थे जिन्होंने डिसेंट नोट लिख के उनको छोड़ना पड़ गया, सेना की शहादत का इस्तेमाल किया गया उस समय 2019 में। लेकिन यहाँ अगली बात करें, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह ऋण विहीन किया है इसको कहने की जरूरत है। आपका इलेक्शन कमीशन बैठा क्या करता रहा जब आप उन मंचों से मुसलमान और हिंदू करते रहे, आप पर 153 का आईपीसी का केस होना चाहिए। दरअसल ये कोड वायलेशन का नहीं है केस, मोदी ने जो सेंटेंसेस किए 153A का वायलेशन है जिसमें जेल होता है सीधा, अपराध किया है। और जो राहुल जी कह रहे थे वो सिर्फ प्रज्ञा अपराध नहीं है, वो समाज के साथ अपराध है, आईपीसी का अपराध है, एक जगह वो अपराध नहीं है, लिहाजा कई डायमेंशन पे किया है। तो जब इतिहास एनालाइज करेगा ना तो वो देखेगा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी जाएगा कि भारतीय जनमानस का क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लॉजिक पावर, ये कैसा था उस समय का कि उसको ये समझने में 10 साल लग गए, या हो सकता है आगे भी अभी ना समझ पाते हो, मुझे नहीं मालूम रिजल्ट क्या होने जा रहा है, लेकिन इतना है कि एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे समझने लगा है कि यार ये तो वो द, 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 वही है, रगा हुआ है, ये समझने लगा है कि यार ये तो वही वाला है। तो ये जो नया दौर आया है ना, इसमें जब पब्लिक एनालाइज कर रही है तो उसको लग रहा है अरे यार ये तो ड्रामा है। जैसे मोदी अब जो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में हुआ क्या, जब आप ताली मार के दीदी और दीदी कर रहे थे तो वो देख रहा था अरे ये तो अपना वाला है, ये गलती से हम लोग इसको ईश्वरत्व दे दिए थे, तो वहां पे वो नहीं चल पाया क्योंकि क्वालिटी वहां पे सोच का बहुत पुराना है, एक कल्चर है जहां की ये सब चलता नहीं है। तो आज यहाँ भारत में भी आज जो हम लोग बैठे हैं 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा आप उसमें देखेंगे कि ये एनालाइज हो जाएगा कि नहीं एक बड़े वर्ग ने अब समझना शुरू कर दिया है, कितना समझा है ये नहीं मालूम है, क्योंकि इधर से वो बिल्कुल एस्यूट जो कहते हैं कि चालाक एक व्यक्ति पॉलिटिशियन है जो कि आपको अक्सर इस तरह के नशे में डाल देगा और अपने को देवत्व के आसपास खड़ा कर देगा। लिहाजा समाज की जो सामूहिक तर्क शक्ति है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, क्या वो हो पाई है? आप दर दर घूमे, गर्मी में घूमे, एक एक जगह जाके फैक्ट आपने किया, उससे क्वालिटी जरूर बदली होगी, लेकिन कितनी बदली है, क्योंकि उसके साथ जो दूसरी मीडिया है वो दूसरा पिक्चर दिखा रही, उसने ये बताया है कि भारत एशिया में चीन को पछाड़ के सबसे ज्यादा बिलियनर डॉलर बिलियनर हो गए हैं, ये कह के वो कह रहा कि चीन से आगे भारत निकल गया। उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पे 6 करोड़ 12 लाख
61 करोड़ 20 लाख लोग 78 रुपए से कम पे रोज गुजारा करते हैं। ये सत्य नहीं बताया गया, जो मोदी का ही सत्य है, ये झूठ, ये सत्य नहीं बताया गया। और इसमें से 31 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 45 रुपए पर डे रोजाना पर गुजारा करते हैं, ये भी नहीं बताया गया। बताया गया कि 94 आदमी इस साल नए डॉलर बिलियनर हुए हैं, अमेरिका में भी इतने नहीं हुए, लिहाजा भारत महान है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम उसको बता पाए हैं, क्या ये मीडिया, क्योंकि मोदी की मीडिया ने ब्लॉक कर रखा है, हम लोग क्या ये बात उसके दिमाग में कर पाए हैं कि तुम्हारा जो ये देवता है ये कर क्या रहा है तुम्हारे साथ, ये कम से कम हम बता ले जाए। और ये फैक्ट्स है जिसको कि हमें बताना होगा, हमारा कर्तव्य है। जी एक बार वो तस्वीर स्क्रीन पर फिर दिखाइए। बातों बातों में चूंकि आप दोनों ने व्याख्या की तो मुझे एक शेर याद आ गया दुष्यंत कुमार को, मैं बहुत पढ़ता हूँ, उनके उनकी लाइनें मुझे बहुत पसंद है। तस्वीर विजुअल दिखाएं कि एक शेर ऐसे मौके पर मुझे लग रहा है इन तस्वीरों पर मुफीद है। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो ये रहनुमाओं की अदा है, ये मोदी जी की अदा है, रुद्राक्ष है, अर्घ है, उपासना है, साधना है। अब बताइए, हम लोगों ने अपनी दादी को और अपनी नानी को मैंने कंठी माला, तुलसी की माला जपते हुए बचपन में देखा है, लेकिन जहां वो जपती थी और जहां बैठती थी पूजा घर में, वहां किसी का प्रवेश निषेध था, दरवाजा उठका देती थी ताकि कोई बच्चा ना आए, और वो देखा हमने। और यहाँ दर्जनों कैमरे और लाइव, हर चैनल मेरे सामने जो चैनल चल रहे हैं हर चैनल पर लाइव है, मोदी जी को पता है लाइव जा रहे हैं। तो ये एक तो इस तस्वीर पर व्याख्या की राहुल जी। उसके बाद जो मसला है, जो बयान उनका है, जो कुछ बयानों का जिक्र सिंह साहब ने भी किया, गांधी के लिए जो उन्होंने कह दिया कि गांधी को फिल्म जो टू में फिल्म आई उसके पहले कोई नहीं जानता था, ये प्रधानमंत्री अगर ये बोल रहे हैं और बयान जो जिनका जिक्र हम बार बार स्क्रीन पर बयान दिखा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या किसी खास किस्म का कोई एक पैरानोइया है, डर है, कोई ऐसी चीज है चुनाव के दूसरे दौर के बाद, या वो जानबूझकर सेंटर में अपने को रखने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं? आप उनको स्लिप ऑफ टंग या ये ना समझे कि ना समझी में हो रहा है। इस पर कल भी एक मित्र से लंबी बात हुई थी, तो बाद में मैंने देखा कि वो इससे पहले भी यही बात कह चुके हैं जब वो अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। एक पार्टी के अंदरूनी बैठक में उन्होंने ठीक यही बात कही थी। तो इसका मतलब ये है कि उनके मन में ये बात बैठी हुई है। जो व्यक्ति 13 साल गुजरात का, यानी गांधी जहां के थे वहां का, 13 साल मुख्यमंत्री रहा हो, 10 साल भारत का प्रधानमंत्री रहा हो, उसके गांधी के बारे में, उस गांधी के बारे में जिसे संसार का 200 सालों में सबसे बड़ा व्यक्ति इंसान माना गया है संसार का, उसके बारे में उसकी जानकारी का स्तर ये हो कि 1982 से, उस फिल्म से पहले उनको कोई जानता नहीं था, दुनिया जानती नहीं थी। तो इसको मैं केवल यही कहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति ही बोल सकता है जो कुछ पढ़ता नहीं है, जिसने कुछ गंभीरता से पढ़ा नहीं है, और जिसकी जानकारी का स्तर, उसके सारे पदों को भूल जाएं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जिसकी अपनी समझ और जानकारी का स्तर निहायत निम्न स्तरीय है, आश्चर्यजनक रूप से, वो स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में कितने देशों में गए हैं, सबसे ज्यादा यात्राएं उन्होंने की हैं हमारे सभी प्रधानमंत्रियों में, शायद उनका शौक है विदेशों में घूमना, मैं समझता हूँ कम से कम 50 देशों में तो उन्होंने खुद गांधी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया है, कम से कम, ये अंदाज से कह रहा हूं, क्योंकि लगभग 100 देश ऐसे हैं माना जाता है कि जहां पे गांधी की मूर्तियां लगी हैं। मैंने खुद तुरंत ये सुनते ही, उनकी ये बात सुनते ही एक ट्वीट किया, ढूंढ कर मुझे मिल गया कि गांधी पर पहली किताब 1909 में लिखी गई थी जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, भारत आने से 6 साल पहले, पहली जीवनी उनकी लिखी गई थी, महात्मा गांधी एन इंडियन पेट्रियट, ये उसका शीर्षक था। एक दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अंग्रेज पादरी ने लिखी थी, डोके
उस गांधी के 1915 आने भारत आने के साउथ अफ्रीका आने से पहले भारत में लोग बाद में जाने, अगर कहें तो गांधी को साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन में पहले से ज्यादा जान रहे थे और उन पर ज्यादा काम हो रहा था, लोग वहां उनके बारे में समझ ज्यादा हो रही थी, अगर मैं उस समय के गांधी को देखूं तो। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा मैंने भी देखा कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में और भारत आने के बाद के कुछ शुरुआती सालों में भी पूरा यूरोपियन प्रेस और अमेरिकन प्रेस और ब्रिटिश प्रेस जिस तरह से उनकी एक एक गतिविधि को कवर कर रहा था, मैंने वो खबरें पढ़ी हैं फ्रेंच अखबारों में, जर्मन अखबारों में, अंग्रेजी में तो खैर यूके और अमेरिका में हो ही था, तो उसकी कल्पना कोई नहीं यहाँ इन लोगों को। और जब वो भारत आए हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो वो तस्वीरें मौजूद हैं और वो वर्णन मौजूद हैं कि उनका मुंबई बंदरगाह पर जैसा स्वागत हुआ है, उनके सम्मान में जो उस समय मुंबई के सबसे बड़े उद्योगपति रईस आदमी थे पेटिट, उन्होंने जो पार्टी दी है उसमें कौन कौन लोग आए थे, केवल वो वर्णन ही पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि भारत आने से पहले गांधी वैश्विक सेलिब्रिटी बन चुके थे। बिल्कुल वैश्विक। तो अब क्या कहा जाए इनके बारे में। और मैं एक बात और अंत में सिर्फ थोड़ा मैं वापस ध्यान और योग पर लौटना चाहता हूं, क्योंकि अभी आज का प्रसंग वो है, उनकी नीतियों की व्याख्या हम किसी दिन कर लेंगे, वो विश्लेषण हम करते थे। वो अभी उन्होंने तो योग को अंतरराष्ट्रीय बना दिया, वो ऐसा कहते हैं 21 जून को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बना दिया, निश्चित ही मैं उनके इस योगदान का अभिनंदन करता हूँ, इस काम का अभिनंदन करता हूँ। ध्यान जो है, जिसे हमारे हम जिसको अष्टांग योग कहते हैं, उसका जो उसके 8 अंग हैं, पहला अंग है यम और नियम। मैं अभी पातंजल योग सूत्र पढ़ रहा हूं, जो मूल ग्रंथ है, आकर आर्ष ग्रंथ है अष्टांग योग का। उसमें 3 पाद है, मैं उसके विस्तार में जाऊंगा। साधन पाद में वो मैं पढ़ रहा हूं कि यम क्या है। यम है कि पहला यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, ये यम है। पहला है अहिंसा, और अहिंसा ही सारे यमों का मूल है, यह भी ग्रंथ कहता है। और इसके बाद कहा गया कि इनको महाव्रत कहा गया, ये सार्वभौमिक व्रत हैं, और ये इस कोई भी देश काल परिस्थिति समय जाति देश काल समयान विच्छन्ना सार्वभौमा महाव्रता, ये महाव्रत कहे गए। और इसमें बहुत विस्तार के साथ वर्णन है इस अद्भुत टीका में जो मैं पढ़ रहा हूँ स्वामी ओमानंद तीर्थ की, उसमें अलग से उन्होंने एक पूरा अध्याय दिया है कि वो ये जो बड़े लोग हैं, जो शासक हैं, जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, जिनका काम दंड देना है, जो इस तरह के जो प्रशासक हैं, उन पर अहिंसा का पालन कैसे, वो अहिंसा का पालन कैसे करेंगे। कई बार यहाँ भ्रम में हम लोग कह लेते हैं कि भाई राजा को तो दंड देना है, क्षत्रिय को तो युद्ध करना है, वो अहिंसक कैसे हो सकता है। इसका इतना विस्तार से अद्भुत वर्णन किया है कि राजा की अहिंसा, राजा का सत्य, राजा का अस्तेय, राजा का परिग्रह कैसा होगा। तो ये योग का प्रथम चरण है, इसके बाद यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, और फिर समाधि। ध्यान जो है वो समाधि से पहला यानी 7वां अंग है, नीचे से चलना पड़ता है, हमें देखना पड़ेगा, जो भी कहता है कि मैं ध्यानी हूं, मैं योगी हूं, देखना पड़ेगा कि उसने पहले के 6 चरणों को किया है कि नहीं, पूरा किया है कि नहीं, वो सीढ़ियां चढ़ी हैं कि नहीं। आप छलांग लगाकर ध्यान पर नहीं पहुंच सकते, ये गंभीर जो योग के अध्येता है उनको ये समझना चाहिए, और मैं समझता हूं इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। इस 1-2 महीने में ही मोदी जी ने जितने झूठ बोले हैं, जितनी हिंसक बातें कही हैं, जितनी तामसिक बातें कही हैं, मैं बिल्कुल योग और वेदांत की भाषा में ही बात करना चाहता हूं, उनकी व्याख्या करना चाहता हूं। राजसिक और तामसिक, राजसिक बातें करना उनसे अपेक्षित है क्योंकि वो राजा हैं, वो कर्म विरत नहीं हो सकते, तो वो उनसे सात्विक अपेक्षा भी है, उनसे राजसिक अपेक्षा भी है, लेकिन तामसिक नहीं है।
तमस सीधा अज्ञान से पैदा होता है और अज्ञान तमस से पैदा होता है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। ये सारी बातें जो भी आपने वाक्य हमें दिखाए जो यहाँ बार बार आ रहे हैं, इसमें मुजरा भी है और ये सारी तमाम चीजें हैं, ये शुद्ध तामसिक बातें हैं। ये वो ना कहते तो उनकी महिमा बढ़ती, उनकी गरिमा बढ़ती, वो जो कहना चाहते थे इससे बेहतर शब्दों और भाषा में कह सकते थे। वो अपना सारा राजनीतिक संदेश अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे सकते थे, लेकिन उनके मुंह से ये बातें निकली क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें भरी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ध्यान करता है नियमित, उसके दिमाग में इतनी तामसिक बातें, इतने तमस नहीं हो सकता। बहुत आम बात आपने कही, बहुत आम बात कही, इसलिए बातें नहीं निकल सकती। चलिए शुक्रिया, बहुत अहम बातें कही कि एक तरफ आप ध्यान, योग, साधना, अपने आप में सर सुन के लगता है साधना, सुन के ही लगता है साधना करना जो साधक होगा, और साधना करने के लिए क्या उसके भीतर की प्रवृत्तियां चाहिए और उन प्रवृत्तियों का कैसे दो महीने में प्रदर्शन हुआ है, वो दोनों में 36 का रिश्ता है। कहीं कोई समानता एक जमीन पर ऐसा साधक हो ही नहीं सकता कि 48 घंटे पहले इस तरह की बात कहे और 48 घंटे के बाद वो रुद्राक्ष का माला जपते हुए साधक हो जाए, तो कॉन्ट्राडिक्शन का चरम है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, कल आखिरी दौर की वोटिंग है, शाम तक एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, दो दिन तक एग्जिट पोल पर बहस होगी और फाइनली 4 जून को दोपहर 12 बजते बजते तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हो रहे हैं या बीजेपी के नंबर कम हो रहे हैं या 272 के लिए लड़ाई हो रही है या क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ 12 बजते बजते 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार।